लेकिन ऐसी कई बातें आप लोग लगातार देखेंगे जहां सरकार के जो कदम है, एक तरह से आप देखिएगा तो संघ में पूरी तरीके से सरकार हो गई, जो इनके बाबा गोवलकर हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स की जो किताबें हैं उसी रास्ते पे ये पूरी तरीके से सरकार जो है चलने का काम कर रही है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं कि आरएसएस के लोग जो हैं वो किस विचारधारा के लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है, और उसी एजेंडे के खिलाफ हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग लड़ाई बिहार में लड़ रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि जो जगदेव बाबूजी का जो सपना था उसको हम लोग साकार करें। ये हम लोगों के राष्ट्र अध्यक्ष नेता आदरणीय लालू जी अगर जाति जनगणना को लेकर के सड़क पर नहीं आते तो शायद इस मुहिम में हम लोग उतने सफल नहीं हो पाते। आज भी हम सब लोग जो हैं जाति जनगणना को लेकर के जो है मांग कर रहे हैं, ताकि जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब परिवार का है, जो सोसाइटी में बैक बेंचर है, जो अंतिम पैदान पे है, उसको हम सब लोग मुख्य धारा में लेकर के आए। हम सब लोगों के पहल से, हम लोगों के मांग पर दो बारी जो है बिहार विधानसभा से पारित हुआ। पारित होने के बाद आप देखे होंगे इसी मानसून सत्र में पार्लियामेंट में मंत्री जो केंद्र मंत्री हैं उन्होंने मना कर दिया कि भाई जाति जनगणना नहीं होगी। उसके बाद हम सब लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भाई ये देश के लिए ठीक नहीं है, और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जब हम लोगों ने बिहार विधानसभा से दो बार प्रस्ताव पारित किया तो उसको अंतिम मंजिल तक, मुकाम तक हम सब लोगों को पहुंचाना। हम लोगों ने जो है प्रस्ताव रखा, प्रधानमंत्री से हम लोग मिलकर के आए, पूरा डेलीगेशन गया,